वेलकम टू माय क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की दिस इज पार्ट नंबर ट्वेंटी टू इस पार्ट के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन की दो ऑप्शंस को टेक अप करूंगा द फर्स्ट वन इज होल नंबर एंड द सेकंड वन इज लिस्ट ऑप्शन आइएगा मूव करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल की तरफ इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई है यूजर कैन एंटर द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू ओनली कोई भी यूजर यहां पर 2014 से लेके 2024 तक का ईयर नंबर दे सकता है सो so, हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज होल नंबर ऑप्शन एंड द सेकेंड वन इज लिस्ट ऑप्शन मैं आपके सामने होल नंबर ऑप्शन को टेकअप कर रहा हूं। ईयर के नीचे दिए गए कंप्लीट सेल की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं यहाँ पर होल नंबर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा के अंदर मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस दी गई हैं मैंने बिटवीन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया मिनिमम के केस के अंदर मैं यहाँ पर 2014 दे देता हूँ और मैक्सिमम में 2024 ईसीओ के इन सभी सेल्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन इंप्लीमेंट हो चुका है नाउ आई राइट हेयर 2014, ये एक्सेप्ट कर रहा है आई राइट हेयर 2024, I press enter, ये भी एक्सेप्ट किया जा रहा है आई राइट हेयर 2013, यहाँ यहां पर मेरे पास एक एरर अलर्ट आ गया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल मैं कैंसल के बटन को प्रेस करता हूँ तो टू थाउजेंड थर्टीन यहाँ से हट गया आई राइट हेयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव अगेन मेरे पास सेम एर अलर्ट आ गया इट मीन्स मैं यूज़र को बाउंड कर दूंगा वो इन पर्टिकुलर ईयर्स के अलावा किसी और ईयर को यहाँ पर एंटर ना कर सके लेकिन अगर यूज़र इन ईयर्स को एंटर करता है तो उसे एंटर करने की इजाजत मिल जानी चाहिए इसी बात को हम लिस्ट कमांड के जरिए भी कर सकते हैं मैं आपके सामने ईयर के नीचे दिए गए सेल के अंदर क्लिक कर रहा हूँ आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉपडाउन बॉक्स के अंदर इस बारी मैं लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ सोर्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया और सोर्स के अंदर मैंने 2014 से लेके 2024 हज़ार के साल के नंबर दे दिए आई से ओके जैसी मैं ओके करता हूँ आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इन ईयर्स की कंप्लीट रेंज आ गई मैं इन ईयर्स को यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ लेकिन इसके अलावा मैं किसी और ईयर को यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर जिस पर्टिकुलर वैलिडेशन बॉक्स को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए होल नंबर के केस के अंदर यहाँ पर दे रहा हूँ सेकंड केस के अंदर हमने लिस्ट ऑप्शन को यूज किया है स्टूडेंट मैं उम्मीद करूँगा इन दो छोटे से एग्जाम्पल से आपको इन दोनों वैलिडेशन क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिलेगी थैंक यू वेरी मच